उसमें आप देखिए सर, एंड देर इज वन मोर, सैयद अकील हसन एसएससी, ही इज अ सुपरिटेंडेंट, अगेन ही इज ऑल्सो प्रमोटेड टू असिस्टेंट सेक्रेटरी. खाजी सैयद नूरुल्ला सर, ही इज ऑल्सो मेड असिस्टेंट सेक्रेटरी. वॉट इज हिज क्वालिफिकेशन? ही इज जस्ट इंटरमीडिएट पास सर, ही इज ओनली इंटरमीडिएट पास. सर देर इज वन मोर, मुख्तार हुसैन, ही इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, ही इज बिकम सुपरिटेंडेंट सर. सर एंड अगेन रहीम फारूकी इंटर, मोहम्मद मजहरुद्दीन एसएससी, सैयद शकील हसन एसएससी, मोहम्मद फयाज एसएससी जूनियर असिस्टेंट सर. एंड व्हाट आर द सैलरीज सर? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. असिस्टेंट सेक्रेटरीज ऑल एसएससी सर. एंड सर देर इज वन मिस्टर अखिल, देर इज वन बाय द नेम मिस्टर अखिल हु इज ऑफिस सबऑर्डिनेट सर. व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन सर? ही इज थर्ड क्लास पास सर, थर्ड क्लास सर. एंड व्हाट इज हिज सैलरी सर? सर हिज सैलरी इज 54,033 सर. सर वगबोट डजंट हैव एनी ड्राइवर सर, द कार सर सॉरी, एक भी गाड़ी नहीं है, दो ड्राइवर्स है सर, दो ड्राइवर्स. ड्राइवर की तनख्वाह क्या है सर? 51,988, टू ड्राइवर्स सर. आप बताइए सर ये क्या है? ये अरब स्पीकर सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है साहब. I had a office boy who types in my office my speeches, I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, "Saab, aap itne paise nahi de rahe, mere ko work board mein naukri to bhi laga do saab." Kya hai sir ye? You, this is what my heart burns sir. Dil ko jo takleef hoti hai na saab, is waste hoti hai ki kis tarike se loot rahe hai sir. Kiraye nahi aate saab, barabar collect nahi hote. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर. आई डिमांड दिस सर, आई डिमांड दिस सर, दिस इज वेरी नेसेसरी सर. सो मच ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर ऑक्यूपाइंग, जिसको चाहे ले रहे हैं. हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए, टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर, लड़े, ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब. आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है सर. इतने इतने वक्त प्रॉपर्टी सर, आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी, जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है लेके चले जाता है साहब. जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब. कैसे साहब ये बताइए सर. निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर. नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर. एससी एसटी बीसी के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, दे आर रनिंग ऑन देयर ओन लैंड सर. माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रनिंग इन रेंटेड बिल्डिंग्स सर. अर्लियर ऑल्सो हैव रिक्वेस्टेड सर, गवर्नमेंट शुड अलॉट लैंड. इफ देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लैंड सर, वक्फ लैंड कैन बी अलॉटेड फॉर दिस पर्पस. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब, और काफी जमीन बच सकती है, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर. इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए. आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर. बार बार हम चीखते हैं चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर. आई हैव द लिस्ट सर, इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर. बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलोर के पास 1,800 एकड़, चेंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, यहां हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो है छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देर आर सो मेनी लैंड. और फिर हो रहा क्या सर, वेर आर दोज लैंड गोइंग? कोई एक आदमी अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर. सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए. वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए, बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए सर. दिस इज द रीजन व्हाई
I am demanding that.